हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, उनकी हिंदी मीनिंग और इंग्लिश सिनोनिम्स को। तो क्लास इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो क्लास को एंड तक देखना। अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करती हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास को सबसे पहला वर्ड है वो है कोएलिशन। कभी भी ये वर्ड आए कोएलिशन, इसका मतलब होता है अलायंस। जैसे कि आपने सुना होगा कि कई पॉलिटिकल पार्टीज़ का अलायंस हुआ है। अलायंस मतलब होता है यूनियन, एकजुट हो जाना, कोएलिशन कहलाता है। जिसको हम क्या कह सकते हैं, अलायंस भी कह सकते हैं या फिर यूनियन भी कह सकते हैं, एकजुटता जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो कभी भी ये वर्ड आए इसका मतलब होता है अलायंस, यूनियन जिसको कहते हैं एकजुट होना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो है वो है प्रोन। प्रोन वर्ड का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज़ के एडिक्टेड हो जाते हो या हैबिटुएटेड हो जाते हो या अकस्टम जिसको बोलते हैं, किसी भी चीज़ का आदि हो जाना या उसकी आदत लग जाना प्रोन कहलाता है। तो कभी भी ये वर्ड आए प्रोन, इसको हम एज अ सिनोनिम हैबिटुएटेड लिख सकते हैं, अकस्टम्ड कह सकते हैं, जिसका मतलब है किसी भी चीज़ का आदी होना, किसी भी चीज़ के प्रति ज़्यादा एडिक्टेड हो जाना, उसकी आदत बन जाना। नेक्स्ट वर्ड जो है आपका अब्रिज है, एंड अब्रिज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को छोटा करना, कर्टेल, शॉर्टन, लेसन, डिमिनिश करना, डिक्रीज करना, एज अ सिनोनिम आप लिख सकते हैं। अब्रिज, अब्रिज का मतलब है कर्टेल करना, शॉर्टन करना, जिसको हम कहते हैं कम करना, एज अ सिनोनिम आप बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं। एंटोनिम आ जाए तो इलोंगेट करना, इंक्रीज करना, एक्सपेंड करना, बहुत सारे तरीके से आप कह सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है एंग्विश है, एंड एंग्विश वर्ड का मतलब होता है पीड़ा, जिसको एगोनी कहते हैं, पेन कहते हैं, डिस्ट्रेस कहते हैं, दुख, तकलीफ और पीड़ा एंग्विश का मतलब होता है। तो कभी ये वर्ड आए इसका मतलब होता है एगोनी, पेन, डिस्ट्रेस, जिसको हम कहते हैं दुख या जिसको पीड़ा कहते हैं। नेक्स्ट है डिफॉर्मिटी। ठीक है, तो डिफॉर्म क्या होता है, किसी भी चीज़ की जो विरूपता जिसको हिंदी में बोलते हैं, किसी भी शेप का मेलफॉर्मेशन जिसको बोल सकते हैं, या तो भद्दा रूप कह सकते हो, बिगड़ा हुआ रूप कह सकते हो, जो चीज़ अच्छे तरीके से ना हो बनी हुई तो डिफॉर्म कहलाती है। तो डिफॉर्मिटी कभी भी आए इसको आप मेलफॉर्मेशन कह सकते हो, या तो आप कह सकते हो जो चीज़ करूप टाइप की हो, बिगड़ी हुई हो, डिसऑर्डर में हो, उसको भी कह सकते हो, डिसफिगरेशन भी कह सकते हैं, जिसको आप विरूपता भी कह सकते हैं या खराब रूप भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आपका एश्योर्ड। जब आप कहते हो ना कि नहीं मैं इस चीज़ के लिए एश्योर हूँ, तो इसका मतलब है आप उसके लिए बिल्कुल सर्टेन हैं या बिल्कुल श्योर हैं, या आप उसको जानते हैं, अवेयर हैं, कॉशियस है उस चीज़ के प्रति, तो एश्योर कहलाता है। एश्योर्ड कभी भी आए इसका मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी चीज़ के बारे में निश्चित हो, पक्के हो, जानकार हो, उसको कहते हैं। तो सर्टेन होना कह सकते हैं, या तो आप कह सकते हैं आप इसको श्योर होना भी कह सकते हैं, या आप इसको कह सकते हैं अवेयर होना भी, मतलब पूरी तरीके से आप जब पक्का हो, आपको उस चीज़ का ज्ञान हो या उस चीज़ के प्रति आप बिल्कुल निश्चिंत हो, उसको कहते हैं। नेक्स्ट है बेनेडिक्शन, एंड बेनेडिक्शन का मतलब होता है जिसको वरदान भी कह सकते हैं, बून भी कह सकते हैं, फेवर भी कह सकते हैं, प्रेयर भी कह सकते हैं, जब आप किसी चीज़ को आप मतलब आशीर्वाद के सेंस में इसको लिख सकते हैं। तो बेनेडिक्शन का मतलब होता है बून, फेवर, जिसको हम वरदान कह सकते हैं, या आप आशीर्वाद भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बीविचिंग। बीविच करना या बीविचिंग वर्ड हम किसी भी चीज़ को अट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं, जो चीज़ें हमें आकर्षित करे, अट्रैक्टिंग हो, एल्यूरिंग हो, चार्मिंग हो, बहुत सारे तरीके से आप कह सकते हैं बीविचिंग वर्ड के यूज़ होता है, या तो सिर्फ बीविच भी होता है। तो इसका हम मतलब कह सकते हैं जो चीज़ें चार्मिंग हो, अट्रैक्टिव हो, एल्योरिंग भी लिख सकते हैं, आकर्षित करना, अपीलिंग हो, ठीक है, बहुत सारे तरीके से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कोलिजन, एंड कोलिजन आप सभी जानते होंगे टक्कर को कहते हैं, जैसे होता है ना कि दो चीज़ों में क्लैश हो जाए, स्ट्राइक जिसको बोल सकते हैं, हिट भी करना बोल सकते हैं, टक्कर लगना, ठीक है, कोलिजन कहलाता है। तो कोलिजन का मतलब होता है स्ट्राइक, हिट, जिसको हम कहते हैं
टक्कर देना या टक्कर होना। नेक्स्ट है विंडिकेट। विंडिकेट का मतलब होता है बदला लेना, जैसे हम बोलते हैं ना कि रिवेंज, एवेंज, या जब रिटेलिएट मतलब होता है ना, जब हमें मान लो किसी ने कोई नुकसान पहुंचाया, हम उसका बदला लेते हैं, तो विंडिकेट वर्ड आप यूज़ कर सकते हो बदला लेने के लिए, ठीक है। तो विंडिकेट को हम कहते हैं रिटेलिएट भी, ये भी इम्पॉर्टेंट वर्ड है। रिवेंज लेना कह सकते हैं, अवेंज कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं बदला लेना। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आपका एक्विस। एक्विस वर्ड का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज़ की परमिट दे दें, किसी को अलाउ कर दें या एग्री हो जाएं, यानी किसी भी चीज़ को मान लेना या अपनी सहमति देना एक्विस कहलाता है। जैसे होता है ना कि अगर आपको कोई परमिशन ले रहा है, आपने उसको परमिट दे दिया कि ठीक है आप ये काम कर सकते हैं, तो एक्विस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इस वर्ड का मतलब क्या होता है, अलाउ करना, परमिट करना, कंसेंट देना, जिसको हम कहते हैं मान लेना, या जिसको हम कह सकते हैं स्वीकार कर लेना। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सेंसेशनल। एंड सेंसेशनल आपने वर्ड काफ़ी सुना होगा, जिसका मतलब होता है सनसनीखेज, या जो शानदार चीज़ें हो बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं ना सेंसेशनल है, यानी आप बोल सकते हो थ्रिलिंग है, एक्साइटिंग है, बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो आपको शानदार सी लगे, बहुत सारे मतलब हिंदी में आप बोल सकते हैं, ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं स्टनिंग, थ्रिलिंग, या आप एक्साइटिंग भी कह सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं सनसनीखेज, या तो शानदार कह सकते हैं, बहुत सुंदर कह सकते हैं, बहुत आकर्षित कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है आपका टेनोर है। टेनोर वर्ड का मतलब बहुत सारे होते हैं, बट इसका एक मेन मतलब है जिसको हम पर्पस कहते हैं, या आप जैसे बोलते हैं ना इंटेंशन क्या है आपका, या पर्पस क्या है आपका, इरादा, तात्पर्य जिसको बोलते हैं वो टेनोर है, ठीक है। तो टेनोर का मतलब होता है इंटेंशन, या तो जिसको पर्पस कहते हैं, जिसको हम तात्पर्य कहते हैं। नेक्स्ट है आपका वेयर, WARE, वेयर, इसका मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट, आइटम, या जैसे हम बोलते हैं ना कोई मटेरियल, जिसको हम बोलते हैं सामान, या जिसको हम माल भी बोलते हैं, ठीक है। तो वेयर का मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी आर्टिकल, कोई भी आइटम बोल सकते हैं, जिसको हम कहते हैं सामान, या जिसको हम कह सकते हैं कोई भी वस्तु, चीज़। नेक्स्ट है वेरी, WARY, वेरी का मतलब होता है सावधान होना, कॉशियस होना, केयरफुल होना, हीडफुल होना, अलर्ट होना, बहुत सारे तरीके से कहते हैं। तो वेरी का मतलब होता है कॉशियस, केयरफुल, अलर्ट, जिसको हम बोलते हैं सावधान। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है यर्न। यर्न वर्ड का भी बीएस का मतलब होता है चाह या इच्छा, जिसको हम डिज़ायर कहते हैं, या आप लॉन्गिंग्स भी कह सकते हैं। जब आप किसी भी चीज़ की चाहत करें तो यर्न वर्ड का यूज़ कर सकते हैं एज ए इंग्लिश में, ठीक है। तो यर्न का मतलब होता है लॉन्गिंग, या जिसको डिज़ायर कहते हैं, जिसको नीड भी कहते हैं, वॉन्ट भी कहते हैं, जिसको हम चाह कहते हैं, या तो इच्छा भी कहते हैं। नेक्स्ट है रेस्ट। कभी भी ये वर्ड आए, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को बलपूर्वक छीनना, स्नैच करना, या जैसे होते हैं ना किसी भी चीज़ को जबरदस्ती आप कैच करते हैं, पकड़ते हैं, तो रेस्ट कहलाता है, ठीक है। तो कभी भी ये वर्ड आए, इसको हम स्नैच भी कह सकते हैं, ग्राब करना भी कह सकते हैं, किसी भी चीज़ को छीनना जिसको कहते हैं वो रेस्ट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रीन। अब ये भी रीन है, ये भी रीन है, दोनों एक्चुअली में होमोनिम्स वर्ड है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीनिंग डिफरेंट है, स्पेलिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। तो कभी ये वाला रीन है, इसका मतलब क्या होता है, REIN, इसका मतलब होता है लगाम, जैसे होता है ना कि किसी भी चीज़ पे कंट्रोल, ऐसे बोलते हैं ना कि लगाम मेरे तो मेरे हाथ में है, ऐसे आपने कहावत वगैरह सुना होगा, तो ब्रिडल जिसको बोलते हैं, किसी भी चीज़ का कंट्रोल आपके हाथ में होना या किसी के भी हाथ में होना, जिसको लगाम कहते हैं, ठीक है, तो उसको हम रीन कहते हैं। कंट्रोल, ब्रिडल, मतलब लगाम जिसको बोलते हैं, या उसका कंट्रोल आपके ऊपर है, या आपने उसको कंट्रोल करा है, उसको कहते हैं। नेक्स्ट है ये वाला रीन, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ पर अपना प्रभुत्व करना या अपना शासन करना, जिसको हम गवर्न करना कह सकते हैं, डोमिनियन कह सकते हैं, आप उस पर ज़्यादा ही अपना कंट्रोल कर रहे हैं, उसको भी कह सकते हैं। तो इस रीन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को गवर्न करना, रूल करना, या तो डोमिनियन जिसको बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रभुत्व जमाना, या तो शासन करना। नेक्स्ट है इनसाइट। एंड इनसाइट का मतलब आप इसको परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, बहुत सारे तरीके से कह सकते हो, जिसको ज्ञान कहते हैं, बेसिकली समझ कहते हैं। तो इनसाइट का मतलब होता है परसेप्शन,
परसेप्शन, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम ज्ञान कहते हैं, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।